बॉबी देओल की पॉपुलर वेब सीरीज आश्रम का तीसरा पार्ट 3 जून को OTT प्लेटफॉर्म में मिक्स प्लेयर पर रिलीज हो गया है, जिस वजह से फैंस काफी खुश है। वहीं अब बॉबी देओल अपने फैंस के लिए आश्रम 4 की झलक भी लेकर आए हैं। अभिनेता ने आश्रम के अगले सीजन का टीजर जारी कर दिया है, जिससे साफ है कि आश्रम 3 के बाद अब इसका नया सीजन भी जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। इस टीजर में बॉबी देओल के रूप में काशीपुर वाले बाबा निराला लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। बॉबी देओल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर आश्रम 4 का टीजर शेयर किया है, जिसकी शुरुआत बाबा निराला से होती है। 1 मिनट के इस टीजर में लोगों की भीड़ है, बाबा निराला का धांसू अंदाज है, हर कोई बाबा के जयकारे लगा रहा है, सभी जप नाम कहते नजर आ रहे हैं। इसके बाद बाबा बोलते नजर आ रहे हैं कि भगवान हम हैं, तुम्हारे कानून से ऊपर स्वर्ग बनाया है मैंने, भगवान को कैसे अरेस्ट कर सकते हो। सीजन 4 में पम्मी पहलवान भी होगी, जिसकी एक झलक टीजर में दिखाई गई है। पम्मी की आश्रम में वापसी होगी और वह दुल्हन के अवतार में देखी गई है। वह आपको बता दे कि इस टीजर के साथ बॉबी देओल ने कैप्शन में लिखा, बाबा अंतर्यामी है, वो आपके मन की बातें जानते हैं। इसलिए आश्रम 3 के एपिसोड के साथ आश्रम 4 की एक झलक साथ लेकर आए हैं सिर्फ एमएक्स प्लेयर पर। अभिनेता के द्वारा शेयर किया गया वीडियो फैंस के लिए किसी ट्वीट से कम नहीं है। अब तमाम लोग इस टीजर पर कमेंट कर बॉबी देओल और इस सीरीज की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, मतलब आप 3 में भी नहीं निपटे हैं। वेल, आश्रम 3 की अगर हम बात करें तो इस बार बाबा निराला की इस दुनिया को फैंस की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है, जहाँ कई फैंस ने ट्विटर पर जपनाम का स्वागत किया, वहीं कुछ ने बहुप्रतीक्षित सीजन को देखने के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया है। बहुत से फैंस ने कहा है कि ये बहुत स्लो और बोरिंग भी है। वेल, इसके अलावा आपको बता दें कि इस सीरीज में बॉबी देओल के साथ साथ ईशा गुप्ता, त्रिदा चौधरी, अदिति पोहन, करुण प्रिया, गोयनका ने मुख्य किरदार निभाया है। वेब सीरीज का निर्देशन प्रकाश झा ने किया है। इस वक्त सीरीज 4 का ट्रेलर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आश्रम 4 के इस ट्रेलर पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।